कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं का सामाजिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोग को अध्याय 6 खाद्य सुरक्षा, भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में बताएंगे। इसमें छठी हेडिंग है, बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है तो इसमें देखेंगे, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार के द्वारा अधिप्राप्त अनाज गेहूं और चावल का भंडार है। जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक का अर्थ होता है खनाजों का भंडार या अनाजों का भंडार, खाद्यान्नों का भंडार या अनाजों का भंडार, जिसमें आपका गेहूं, चावल, उड़दी, सरसों इत्यादि फसलें, दलहन तिलहन आदि फसलें आती हैं, जिसे हम बफर स्टॉक के नाम से जानते हैं। तो इसमें देखेंगे, भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। अधिशेष का अर्थ होता है जहां खाने के अलावा जो बच जाता है, सरकार उससे किसान से जो है वह चावल और गेहूं खरीदता है और किसानों को उनकी फसलों के लिए पहले से घोषित कीमत दे दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। न्यूनतम समर्थित कीमत किसे कहते हैं? तो अनाज उत्पादन होने के पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाती है, जिसे न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। यानी बुआई के पहले ही सरकार यह न्यूनतम कीमत की घोषणा कर देती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। जो सरकार अनाज खरीदता है उसको खाद्य भंडार में रखता है और उसको जो है बफर स्टॉक ऐसे कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार की कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए दिया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। अर्थात हम देखेंगे, जिस अनाज की कीमत बाजार में होगी उससे कम कीमत पर सरकार यह अनाज उपलब्ध कराता है, जिसे हम निर्गम कीमत कहते हैं। तो आज इसमें ही हम देखेंगे कि बफर स्टॉक क्या है। बफर स्टॉक क्या है तो बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के द्वारा प्राप्त अनाजों का भंडार है, जिसमें सरकार किसानों का अनाज खरीद कर भंडारित करता है और जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी होती है
जिन क्षेत्रों में अनाज की कमी होती है उन क्षेत्रों में सरकार उन क्षेत्रों में सरकार इस अनाज को बाजार कीमत से कम मूल्य पर वितरित कराती है। बाजार कीमत से कम मूल्य पर वितरित कराती है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। तो आप ये जान गए कि बफर स्टॉक क्या है, इसमें आपको उचित दर वाली दुकानें कही जाती हैं, जिसे हम राशन की दुकान भी कहते हैं, इसपे राशन की दुकान पर सरकार बाजार के कम कीमत पर क्या करता है। आपको जैसे गेहूं है, चावल है, आदि चीजें उपलब्ध कराता है। इसमें देखेंगे किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित की गई कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत कहलाती है। और जब कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज वितरण के लिए किया जाता है, इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं, यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी क्या करती है, मदद करती है। इसमें आपको बताया गया है कि राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुमंडित मात्रा 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 लीटर मिट्टी का तेल और 5 किलो चीनी, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 लीटर चीनी, 5 किलोग्राम चीनी और 35 किलोग्राम गेहूं चावल मिलाकर के जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलता है। लेकिन अब यह वितरण प्रणाली जो है सरकार बदल दिया है, अब इसमें यूनिट वाइज कर दिया है, यूनिट के हिसाब से जो है ये अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपना कार्य करती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।